से आपको बता दें कि नालंदा के कुलगांव में बोरवेल में गिरे बच्चे को जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि बोरवेल में गिरे बच्चे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करते हुए आखिरकार 8 घंटे के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया है। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बोरवेल से बाहर सुरक्षित निकाल लिया है और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करते हुए 8 घंटे में ही बच्चे को बाहर निकाल लिया है। और इस पूरे खबर पर हमारे सहयोगी आशीष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ी जानकारी मिल रही है, जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बोरवेल से बाहर सुरक्षित निकाल लिया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी से लेकर? बच्चे को बाहर निकाला गया, उसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है मैम, और अभी बच्चे मतलब ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 घंटे के बाद आशीष बच्चे को बाहर निकाला गया है, बच्चे की स्थिति कैसी बताई जा रही है अभी? बच्चे की स्थिति ठीक है, उनको जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है रेस्क्यू की टीम? परिजन को बहुत राहत मिला कि मेरा बच्चा वापस आ गया और वो ठीक ढंग से है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जांच के लिए उनको फिर अस्पताल भेजा गया है। आशीष बड़ा सवाल, जी बिल्कुल आशीष बड़ा सवाल, ये तो शुक्र है, भगवान के हम शुक्रगुजार हैं कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बोरिंग के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं और उसे फिर खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? नहीं, इसके बारे में कुछ भी अभी बोलने से इनकार कर गए कि ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है उनकी कि वहाँ पे गड्ढा करके छोड़ दिए है, और उसके बाद वहाँ पे जबकि जान रहे थे कि यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, और उसके बाद बच्चे को डूबे हुए 8 घंटा हो गया, प्रशासन इस पे पूरे नाकाम रहा है। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम रस्सी लगाकर रस्सी के माध्यम से फिर बच्चे को निकाला गया बाहर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया, और सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि किस तरीके से बोरवेल के अंदर जो बच्चे की तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। बहरहाल 8 घंटे के बाद सुरक्षित तरीके से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। लग जाएगा तब भी बच्चा रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। कितना गड्ढा है ये ट्यूबवेल का? ये करीब 40-50 फुट का। ये तुरंत हटाया गया था बोरिंग से, यहाँ पर खत्म हुआ ना, फेल हो गया यहाँ, तो तुरंत में अलग जगह जोड़ने का कोशिश, तुरंत बंद कर दिया। इनमें उनका गलती नहीं है, लापरवाही कहने जा लापरवाही यहाँ नहीं है, यहाँ मिस्टेक हुआ है कि वहाँ पर बोरिंग करने के यहाँ फेल हो गया। किस बच्चे को रोने की आवाज़ भी आ रही है? कैसे भी आवाज़ आ रही है उसको, हम लोग इसको करने की कोशिश।